हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। साथ ही में आप लोग काफी फिट और हेल्दी भी होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास है यामा R15 का M मोटो जीपी एडिशन वेरिएंट। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही में आपको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा अगर आप भी ये मॉन्स्टर एनर्जी वाला एडिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको प्राइस, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, साथ ही में कुछ जो सारी मोटरसाइकिल्स में आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं वो सब शेयर करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रत्युष। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ऐसी लेटेस्ट अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। प्राइसिंग से स्टार्ट करेंगे तो ये आप मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन देख रहे हैं या मोटो जीपी एडिशन देख रहे हैं। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 179,800 रुपीज़। RTO इंश्योरेंस, बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद आपको कंप्लीट ऑन रोड 204,500 रुपीज़ की पड़ जाती है, यानी कि 204,500 रुपये की। ये एक मैंने एस्टिमेटेड प्राइस बताया है। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट प्राइस जानना है तो अपनी नियर बाई यामाहा डीलरशिप पर आप विजिट कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल करेक्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करा देंगे। बॉडी डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक है, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंपनी ने डिज़ाइन करी है। R7 से इंस्पायर्ड बॉडी टाइप है इसका और एकदम ही नए फीचर्स के साथ आई है। इसमें आपको क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, ड्राइविंग मोड्स, वो सब मिल जाता है जो कि आपको एक स्पोर्ट्स बाइक में चाहिए होता है। हालांकि 155cc का इंजन है, लेकिन ये 18.4 PS का पावर जनरेट करता है और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अपने एरोडायनेमिक लुक होने की वजह से गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है रोड पर बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बढ़िया ग्रिप भी रहती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा क्या आपको नई वाली R15 V4 या R15 M पसंद आई और आप इसको खरीदना चाहेंगे या नहीं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर इसके थोड़े स्पेक्स की बात करें, अगर डायमेंशंस की, तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है 1990 mm। 170 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 725 mm इसकी विड्थ है। 142 kg के आसपास इसका कर्व वेट है और 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो स्पेक्स है गाड़ी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में या इस तरह की स्पोर्ट्स बाइक में जो सेगमेंट में आपको स्पेक्स प्रोवाइड करा रही है यामाहा, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ओवरऑल जो गाड़ी का बिल्ड है, फिनिश है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आया है और इसकी जो डिज़ाइन है फ्रंट हेडलैम्प की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, इसमें आपको एक्रेलिक की जो है क्लियर लेंस टाइप शील्ड देखने को मिल जाती है। साथ ही में इसमें आपको क्लास डी बाय फंक्शनल हेडलाइट यूनिट देखने को मिलेगी, यानी कि आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको LED DRL देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया लुक डिज़ाइन, जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, R7 इंस्पायर है तो बहुत ही बढ़िया निकल के आया और पुरानी वाली जनरेशन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है। अगर दोस्तों इसके फ्रंट टायर साइज़ को लेकर बात करें तो 100/80 का आपको 17 inch का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको डुअल चैनल ABS सपोर्ट करने वाला जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा 300 mm का। अपसाइड फोक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, यानी कि USD सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिससे जो गाड़ी का लुक है, सस्पेंशन क्वालिटी है, वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी है कंपनी ने। पहले इसमें आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता था, ये तो आपको एक अपग्रेड देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो मैं बता ही चुका, 11 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। साथ ही में जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, आपको डुअल कलर में देखने को मिल रहा है। हर वेरिएंट में आपको डुअल कलर का कंपनी प्रोवाइड करा रही है, चाहे इसका मेटलिक रेड कलर लें, ब्लू कलर लें, R1M लें या फिर ये मॉन्स्टर जीपी एडिशन लें। मीटर कंसोल को लेकर बात करें तो फुली डिजिटल मीटर कंसोल है, जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, आपको ओपन करते ही R1155 लिख कर आता है। 6 गियर इसमें आपको मिल जाते हैं, साथ ही में इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 1000 लाइट इंडिकेशन जो है कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल आ रहा है। हालांकि मुझे एक चीज़ की कमी लगी, अगर इसमें आपको LED फंक्शन हेडलैम्प देखने को, सॉरी LED इसको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते तो काफ़ी अच्छा लगता। मीटर कंसोल नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे तो उसमें आपको कॉल अलर्ट, ईमेल अलर्ट, व्हाट्सएप अलर्ट, सब कुछ फंक्शन मिल जाता है कि मीटर कंसोल में। साथ ही में जो गाड़ी जुड़ी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इसकी टोटल ट्रिप है, कब आपको सर्विस करानी है या कोई भी प्रॉब्लम है गाड़ी में, वो भी आप अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। सीटिंग की बात करें तो R15
कि जो एम सीरीज़ है यानी कि एम और जो मोटो जी पी एडिशन है दोनों में ही अलग सीट आपको देखने को मिलती है नॉर्मल वेरिएंट से। क्विक शिफ्टर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो की स्क्रीन में आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल जो गाड़ी की लुक डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रियर में जो दोस्तों चेंजमेंट आया है वो इसके है साइलेंसर है, वो भी आपको चेकआउट कराता हूँ। बाकी अगर इसके सस्पेंशन की बात करें रियर में तो आपको मोनोसॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। अब मैं जैसे कि बता रहा था इसके साइलेंसर में चेंजमेंट आ गया है, तो वो अब पहले जो साइलेंसर आता था वो काफ़ी हद तक मतलब बड़ा था, लेकिन अब जो है थोड़ा स्लीक डिज़ाइन में कंपनी ने डिज़ाइन किया है। एल्युमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है आपको, जो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे, और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं ये गाड़ी को लाइट वेट भी बनाता है। सुपर वाइड रेडियर टायर देखने को मिल जाता है 140 mm का, तो एक आपको काफ़ी अच्छा रहने वाला है जो गाड़ी की ग्रिप क्वालिटी है। हालांकि जो टायर साइज़ है वो आपको 17 इंच का ही देखने को मिलेगा ट्यूबलेस अलॉय व्हील, और जो रियर का डिस्क ब्रेक है वो आपको 240 mm का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको कुछ इस तरह की नई यामा R15 V4 या कह लीजिए एम सीरीज देखने को मिलती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको इस गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल या स्कूटर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और टू व्हीलर राइड करते समय हेलमेट का यूज़ जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।